क्या आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग क्यों होती है? कई सारे महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ में वॉमिटिंग ज्यादा होती है, तो ये क्यों होती है? तो ये वॉमिटिंग होने के मेन तीन रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन, जब भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या आपका बेबी जब आपके यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है, तब आपके ब्लड के अंदर हार्मोन बीटा एचसीजी की मात्रा बढ़ती है, तो ये हार्मोन की मात्रा बढ़ने की वजह से आपको वॉमिटिंग होती है। दूसरा रीजन भी एक हार्मोन ही है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है, तो लेकिन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने की वजह से भी वॉमिटिंग कई बार बढ़ सकती है। और तीसरा रीजन है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा डाइजेशन जो है वो वीक हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में ज्यादा देर तक फूड कंटेंट पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से कई बार वॉमिटिंग जो है ट्रिगर हो सकती है। तो ये मेन तीन रीजन की वजह से वॉमिटिंग ज्यादा होती है। इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए या सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन से हम ये कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सामान्य वॉमिटिंग हो या ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो ऐसे प्रकार की वॉमिटिंग को हम आराम से डाइट मॉडिफिकेशन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और वो सब कुछ मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक के द्वारा आप जान सकते हो कि हम इस वॉमिटिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।